morning. Good morning. Good morning. Good morning. मैं जरा विविधा को उठा देती हूँ। माशी अवेक, जब मैं जा रहा था वर्कआउट के लिए उठ गई। रवीश उठ गई थी तो नीचे क्यों नहीं आई? कल से कुछ खाया भी नहीं है उसने। तुमने उसे बताया ना हमारा ब्रेकफास्ट टाइम क्या है? वो थोड़ा सा अपसेट थी। अपसेट? क्यों? क्योंकि मैं उस पर हंस पड़ा था, शायद इसीलिए। हंस पड़ा था? What do you mean हंस पड़ा था? हुआ क्या? Actually उसके पूरे फेस पर काजल फैल गया था। I could not help it और मेरी हंसी निकल गई दादाजी। Seriously मतलब वो इतनी फनी लग रही थी कि रवीश वैसे भैया आप बाल बाल बच गए वरना डे वन पे ही मॉम आपकी परेड लगा देती। ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? आसमान खा गया या पाताल निकल गया? मेरे ऊपर उंगली नहीं उठनी चाहिए किसी भी हाल में। कोई गड़बड़ी नहीं हुई, ढूंढिए हर अस्पताल में ढूंढिए, जहां समझ में आए उसे ढूंढिए, बस मुझे जल्दी। पापा, पापा वो मुझे आपको कुछ बताना है। क्या कर दिया? पापा वो उस दिन मैं भी मंदिर में था और मुझे अथर्व में बहुत गुस्सा आ रहा था। और मैं पूछ रहा हूँ क्या क्या है? विविधा, विविधा, विविधा क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक है ना? जी मैं ठीक हूँ। अच्छा फ्रेशन अप होकर नीचे आ जाओ, सब ब्रेकफास्ट पर वेट कर रहे हैं। जी मैं आती। रवीश, रवीश तू यहाँ आराम से पसर कर नाश्ता कर रहा है और विविधा कितनी अपसेट है, पता है? रो रही है वो बाथरूम में। लेकिन माँ मैं जानबूझकर नहीं हंसा था, हंसी निकल गई थी। रवीश आज ससुराल में उसका पहला दिन है, कितनी नर्वस होगी वो, होमसिक भी होगी। तुझे उसकी फीलिंग्स की तरफ और सेंसिटिव होना चाहिए, उसे जरूरत है तेरी। देख रवीश, मैं नहीं चाहती कि उसे इस घर में किसी भी तरह का कोई दुख पहुंचे। मैं चाहती हूँ कि उसे उसे ऐसा लगे कि वो सिर्फ तेरे लिए नहीं बल्कि बल्कि हम सबके लिए बहुत स्पेशल है। उसे कभी कोई खालीपन महसूस नहीं होना चाहिए, उसे कभी ये नहीं लगना चाहिए कि तेरा प्यार कम है उसके लिए, कोई अधूरापन कभी महसूस नहीं होना चाहिए। अब तू यहाँ क्यों बैठा है? जाओ उसे मना कर यहाँ ला। अब जो करना है साथ में करना है, नाश्ता भी। तुम्हारी माँ ठीक कह रही है सोल्जर, याद रखना ये लड़ाई हार कर ही जीती जा सकती है। Go for it। मगर कैसे? इसके लिए कोई फील्ड ट्रेनिंग नहीं होती है सोल्जर, तुम्हें अपने आप सीखनी पड़ती है। And I am sure you will do it. Okay. नई बहू के नखरे कुछ ज्यादा ही जल्दी शुरू नहीं हो गए?
नहीं, मुझे ऐसे लगा आप लोगों का पता नहीं। नखरे नहीं, सेंसिटिविटी कहते हैं इसे कालिंदी। अपना परिवार छोड़कर यहाँ अनजान लोगों के बीच आई है, अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे कंफर्टेबल फील करें। विविधा अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई टोटली एग्री विद सुमन। अब क्या कहूं? विविधा, मैं कुछ खाने के लिए ले आऊं आपके लिए। विविधा, विविधा, विविधा दरवाजा खोलिए। अगर आप दरवाजा नहीं खोलेंगी मैं अंदर आ जाऊंगा। आई एम सॉरी। जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ आपसे। आई एम सॉरी। आइए नाश्ता कर लेते, चलिए। मुझे भूख नहीं है। देखिए इस तरह अगर आप। गुड मॉर्निंग भाभी। भाभी आज आपका पहला ब्रेकफास्ट है हमारे साथ, आइए ना प्लीज। भाभी आ जाइए ना। जी आती हूँ। ओके, हम सब आपका नीचे इंतजार कर रहे हैं। सी यू। अदिति के कहने पर हाँ और मेरे कहने पर ना, लगता है कुछ ज्यादा ही नाराज है। पूछ रहा हूं कि आप क्या है उसके सर पे। पापा, पापा पता नहीं कि वो जिंदा है कि नहीं। मैंने उसे एक ही बार मारा। वहां पे सुजाता चाची थी। आयत को सुजाता भी है और अब तक कहीं कोई पुलिस रिपोर्ट भी दर्ज नहीं हुई।
विविधा बेटा, यू ओके? ऑल वेल? आओ बेटी आओ, बैठो। अरे विविधा, ये तुम कैसे आ गए? जी, जी क्या? नई नवेली दुल्हन हो, इस घर में तुम्हारा आज पहला दिन है, ना सिंदूर ना मंगल सूत्र। विविधा बेटा, शादी के बाद सिंदूर और मंगलसूत्र जिंदगी के साथ साथ जिस्म का भी हिस्सा बन जाते हैं। कैलाश भाई साहब ने बिल्कुल ठीक कहा था, तुम्हें सादगी से रहना पसंद है और बहुत प्यारी है तुम्हारी सादगी। रवीश, ये मंगलसूत्र और सिंदूर की जिम्मेदारी आज से तेरी है, ओके? देना। ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।